विकास के काम तो विकास के काम अभी हम गिनवा अपनी सरकार के हम गिनवा तो नहीं विकास के काम तो यूपी में विकास तो जरूर कर रही है सरकार कर रही है ना गिना नहीं पा रहे हो तीन नहीं दो गिनाइए दो राम मंदिर अभी विकास नहीं है राम मंदिर विकास नहीं है पूरा भी उठेगा मथुरा भी विकास नहीं है ईसम कार्ड बहन के लोड़े 50 रुपए बनवा के और रख लिए कुछ आया भी नहीं कुछ नहीं किया आपका नाम अनिकेत कुमार मिश्रा आप मतलब किसको वोट देंगे और क्या लगता है किसकी सरकार आएगी हम तो बीजेपी वाले हैं और बीजेपी की सरकार आएगी फुल बहुमत से आएगी क्यों किस लिए और क्या क्या किस काम को देखकर रोजगार को देख करके जो काम कर रही है ना उसको देख करके आएगी योगी सरकार के विकास के कम से कम 2-3 काम गिनाइए मुझे आप योगी सरकार के काम बहुत काम है जैसे बीजेपी की सरकार आई जैसे राम मंदिर पे दबाव डाला सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसका विकास की बात कर रहा हूँ 2-3 विकास के काम गिनाइए यूपी में अभी जाके देखिए योगी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं योगी सरकार के 3 काम गिनाइए जिन्होंने विकास के काम गिनाइए आप विकास के काम तो विकास के काम अभी हम गिनवा अपनी सरकार के हम गिनवा नहीं विकास के काम तो यूपी में विकास तो जरूर कर रही है सरकार कर रही है ना तीन गिनाए मैं कह रहा हूँ दो गिनाइए चले तीन नहीं दो गिनाइए दो राम मंदिर अभी विकास नहीं है राम मंदिर विकास नहीं मथुरा भी उठेगा मथुरा भी विकास नहीं है रोजगार आपको हेल्थ के लिए स्कूल कॉलेज रोजगार के लिए अभी जाके देखिए हाँ कॉलेज के लिए जाके देखिए गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है मतलब 5 सालों में एक बना लिया तो विकास हो गया तो क्यों समाजवादी पार्टी बनाया है ना समाजवादी पार्टी भी बनाया तो लेकिन बीजेपी ने तो बना रखी है ना इनको तो रोजगार जानना चाहता हूँ कि 3 काम या 2 काम मुझे आप गिना दीजिए जिन्होंने योगी का विकास के गुंडागर्दी खत्म करी है क्यों अगर किसी कोई नौकरी करके 8 बजे रात को जा रहा है मंदिर बनाना विकास है गुंडागर्दी खत्म करना विकास है ये बताइए कहाँ से विकास है अगर विकास क्या है मुलायम सिंह की सरकार थी तो जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो ये बलात्कार होता था तो मुलायम सिंह कहते थे लड़के हैं गलती हो गई हाथरस हुआ उन्ना हुआ इलाहाबाद हुआ और बहुत सारे हुए हैं सभी सरकार में बलात्कार हुआ रेप हुआ है लेकिन इतना तो नहीं हुआ है ना जिम्मेदारी किसकी होती है इतना तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती थी पुलिस की होती है सरकार की होती है पुलिस की होती है फिर क्यों फेल हुई कहाँ फेल हुई है रोकने में जो पिछले सरकार को देखिए पिछले सरकार को देखिए सारी बातें आप जो भी पिछले सरकार को जो आपके मर्जी है आपने मुझे 3 विकास नहीं गिनाए क्यों विकास नहीं गिनाए अब तक मुझे आपने 2 गिनाए चलिए एक ही गिना दीजिए मुझे आप क्यों हाईवे बनाया आप बोल रहे थे ना कि योगी सरकार ने कुछ नहीं काम किया बताइए हमारी समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया किसी गरीब का बच्चा किसी गरीब की मैडम प्रेग्नेंट थी एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी हो जाए हमारे अखिलेश यादव ने 108 एम्बुलेंस चलाई 100 नंबर चलाई 2 विकास तो ये किए तीसरा नखलऊ मतलब ये आगरा से हाईवे निकाला तुम हाईवे की बात कर रहे हो बदायूं में भी मेडिकल कॉलेज खुले और आंगनवाड़ी और इस दिन से सपा सरकार गई है कोई मुझे बता दे इंडियन आर्मी की भर्ती आई हो हमारे भैया आए कितने हमसे बड़े पढ़े लिखे पड़े हैं घास काट रहा है खेतन में जाके क्यों सपा सरकार में इंडियन आर्मी की भर्ती हर साल बरेली निकलती कहीं निकल रही थी अब कुछ नहीं है ना इस दिन से सपा सरकार आई है कुछ सपा मतलब बीजेपी आई है कुछ नहीं हुआ है और बात रही सुनो महंगाई हम बताएंगे किसान का बदला जाता था रिफंड लेने 80 रुपए की मिलती थी जामनी रिफंड और आज वो 160-180 की मिल रही है अगले सरकार में रोजगार मिला था अगले सरकार में रोजगार मिला था में आंगनवाड़ी बहुत रोजगार मिल रहा है इसमें कुछ भी नहीं है इसमें और एक बात कही क्या ईसम कार्ड बहन के लोड़े 50 रुपए बनवा के और रख लिए कुछ आया भी नहीं कुछ नहीं किया इसने